आज हम जानेंगे एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। उनके जीवन की जितनी भी घटनाओं के बारे में आप पढ़ लो कम है, और साथ ही उनके जीवन से जुड़े किस्से बार बार पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है। उनके बारे में बात करते समय शायद कोई भी बोर नहीं हो सकता। आई होप आप भी बोर नहीं होंगे, ये वीडियो पूरा देखेंगे। हो सकता है ये कुछ बातें शायद आप पहले से ही जानते हो। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। अब ऐसे में उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक आदमी ने हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी बोले, आई एम फाइन एंड थैंक यू। अब सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में उत्तर दिया, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता तो उसे किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। चलिए आप बताइए, क्या आप कोई ऐसा देश जानते हैं जहाँ के सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी और भाषा में होते हों या फिर इंग्लिश में होते हों? यहाँ तक कि जो विदेश मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वो अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और स्पीच भी अपनी ही भाषा में देते हैं, फिर उनकी बात को हमारी भाषा में या तो इंग्लिश भाषा में अनुवाद करके समझाया जाता है। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या जरूरत है? एक दूसरी घटना, एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया, उनका मजाक उड़ाया, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी नहीं पहना हुआ है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है, आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। स्वामी जी के जीवन की यह घटना बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी जी के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी बोले, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? क्या आप जानती नहीं हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? फिर वो महिला बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ, और ये तब संभव होगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। फिर विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय जरूर है। औरत ने झट से कहा, क्या? विवेकानंद ने उत्तर दिया, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाओ, आपको मेरे रूप में मेरे ही जैसा एक बेटा मिल जाएगा। फिर वह औरत तुरंत विवेकानंद जी के चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं, इसे कहते हैं पुरुषास्त्र। जाते जाते एक घटना की बात और करता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। फिर पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है, तो फिर जानते हो स्वामी जी का क्या उत्तर था? कौन कहता है गंगा नदी है, गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तंभ रह गए और स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। तो वेल दोस्तों, ये था हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आपकी ही रिक्वेस्ट थी कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक और वीडियो बनाए। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, आप लोगों से पता चलता है कि आप लोग स्वामी विवेकानंद जी को कितना पसंद करते हो और कितना सम्मान करते हो। आज मुझे खुशी है कि हमारे इस चैनल क्वेश्चन वर्ल्ड पर आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारी संस्कृति को समझते हैं और उसे प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़कर।
तो वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।